Hello students, so now let us discuss the torque acting on a current carrying rectangular loop. हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक rectangular dimensions का कोई एक loop है और उसकी हम length assume कर लेते हैं L और breadth मान लेते हैं B. So अगर उसकी L और B उसकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस का मतलब साइड्स हैं, सो इसका जो एरिया होगा लूप का वो होगा ए इज इक्वल टू एल इनटू बी. लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट पेज और पढ़ेंगे तो इसको यूज करें. अब हमने कहा कि इस लूप को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस और इसी डायरेक्शन में कोई इसके में कोई करंट मान लेते हैं. से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई इस तरह की डायरेक्शन, इसको हमने आई से लिख दिया. और इस करंट कैरिंग लूप को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और वो मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से ले रहे हैं कि ये जो साइड्स है पी एस और क्यू आर उसके तो ये फील्ड परपेंडिकुलर है और यहाँ से कुछ एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है क्योंकि इसको हमने इस तरह से तिरछा करके रख रखा है. तो ये हमने अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान ले जो कि इस प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ कितना एंगल बना रहे थीटा. और हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, अगर ये आपकी कॉइल है तो इसका नॉर्मल इस प्लेन का ये होगा आउटवर्ड से परपेंडिकुलर आउटवर्ड. तो वो जो नॉर्मल है वो हमने इसका से इससे लिख दिया एन कैप से, रेड चौक से लिख दिया एन कैप. तो मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल थीटा बनाया और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो है दैट इज अल्फा, ये अल्फा एंगल ताकि ये थीटा और अल्फा का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. सो इसका मतलब यहां पे थीटा हमने क्या माना कि प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल और अल्फा क्या हुआ नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल एन कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. तो अगर नॉर्मल और प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो तो उसको टर्म अल्फा से इंडिकेट करें. तो यहाँ ये देखिए तो थीटा और अल्फा क्योंकि नॉर्मल ये वाला नॉर्मल वाला परपेंडिकुलर, तो अल्फा और थीटा का जो जोड़ कितना हो गया 90 डिग्री. अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यू कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा और अल्फा इज 90 माइनस थीटा. ये हम यूज करते हैं. अब फिलहाल तक तो हम ही जानते थे कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स लिखा जाता था आई एल क्रॉस बी से, मीन्स आई एल बी साइन थीटा से फोर्स हम निकालते. तो वन बाय वन हम इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालेंगे इस आर पी क्यू के ऊपर, क्यू आर के ऊपर, आर एस के ऊपर और एस पी के ऊपर. तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई मान लिया था हमने और सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर क्यू आर के साथ 90 डिग्री के ऊपर है, ऐसे ही इस आर के ऊपर ये एंगल करंट के साथ कितना होगा 90 डिग्री. यहाँ ये जो एंगल थीटा था तो यहाँ एंगल भी कितना होगा थीटा होगा और करंट की डायरेक्शन ये ठीक है और एंगल लिया जाता था किसके बीच में आईएल और बी के बीच में और आईएल से बी का घुमाव क्या जाता था. तो हम पहले फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू और इस पी क्यू कंडक्टर के जो फोर्स है इसको सपोज हमने एफ वन से लिख दिया, सो दैट एफ वन विल बी इक्वल टू व्हाट आई एल क्रॉस बी. तो बी तो ये और आई ये, तो आई और बी के बीच में क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये बाकी का जो एंगल बच गया ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा. हम इसको ऐसे लिखेंगे आई लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी है ब्रेड बी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैपिटल बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एल एंड बी. सो आई एल तो आपके पास ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर का तरफ एंगल थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है. तो दैट इज इक्वल टू आई बी इनटू बी एंड दैट इज इक्वल टू साइन
थीटा। सो ये एफ वन फोर्स हो गया। अब डायरेक्शन भी लिख देते हैं इसकी, और वो डायरेक्शन किससे निकालें, तीनों में किसी रूल से यूज कर लीजिए। सो हम फ्लेमिंग सेलेक्टेंट रूल से लिखें तो एफ बी और आई लिखते थे भाई, फोर्स तो पता करना है। तो बी देखिए, बी तो इधर की तरफ है और करंट आई इधर की तरफ, तो फोर्स थंब से किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब इस प्लेन ऑफ द कॉइल के ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड ये फोर्स एक्ट कर रहा है, से एफ वन लिखा। तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड है प्लेन ऑफ द कॉइल में, इन द प्लेन ऑफ कॉइल, इन द प्लेन ऑफ कॉइल। यहाँ फिलहाल एक टर्न मान रहे हैं, इसके अंदर हो सकता है आपने कॉपर वायर की इंसुलेटेड काफी टर्न ले रखे हो 500, 1000 इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। सो दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से फोर्स इसके ऊपर निकाले क्यू आर के ऊपर, और उसको ही कह दिया एफ टू, दैट विल बी व्हाट, आई करंट, साइज इसका कितना है एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, और एंगल कितना है 90 डिग्री। सो साइन 90 कितना होगा 1, सो दिस विल बी व्हाट, आई इंटू एल इंटू बी। और इस फोर्स के डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला था एफ बी और आई, ठीक है। तो बी तो ये और आई इधर डाउनवर्ड है, तो थंब किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है। तो इसका मतलब इस प्लेन होता कोई के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा, आपके पास इधर की तरफ ये फोर्स हो गया एफ। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, से इसको हमने इक्वेशन अंदर कैसे मान लिए सेकंड एफ टू। इसी तरह से हम फोर्स किसके ऊपर निकाल लेते हैं, आर इस फोर्स के ऊपर, तो इस पर भी जानेंगे सेकंड रूल से एफ बी और आई, एफ का पता करना है। बी देखिए, बी इधर की तरफ है, आई किधर है, इधर तो है नहीं, आई इधर की तरफ है। देखिए ये था आपके पास एफ बी और आई, ठीक है। तो बी तो ये, आई इधर की तरफ है, तो इसको आप ये देखिए ऐसे, ये तो हो गया बी और ये हो गया आई। तो फोर्स किधर है, इस प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ये हो गया आपके पास एफ बी, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे तो एफ बी और आई, ठीक है। तो बी तो इधर की तरफ है, आई ऊपर की तरफ है, तो फोर्स क्या होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलरली इनवर्ड भी आपके पास एफ फोर हो गया, ठीक है। ये आपके पास था नॉर्मल एन कैथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस, तो प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलरली एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड, एक प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एक प्लेन ऑफ द कॉइल में ही परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द कॉइल में डाउनवर्ड, ये वाला फोर्स तो अपवर्ड है, इस प्लेन ऑफ द कॉइल में कॉइल है इसके अपवर्ड, और एक दूसरा कैसा है डाउनवर्ड, एफ वन और कौन एफ थ्री। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, कैंसिल कर जाएंगे। और एफ टू और एफ फोर को देखेंगे तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और दोनों परपेंडिकुलरली एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, तो एक जैसे कार की स्टीयरिंग घूमती है उस तरह से इसके ऊपर क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा, ये सब चीज के बाद इसके अंदर रोटेशन आ जाएगी, मींस टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं एफ थ्री। सो एफ थ्री फोर्स किसके ऊपर मान है, हमें बताइए, फोर्स ऑन कंडक्टर आर एस, ठीक है। वो कितना होगा, डायमेंशन कितनी, ब्रेथ बी, आई इंटू बी इंटू आई इंटू बी इंटू बी, और साइन एंगल के साथ कितना है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट था आपके पास थीटा एंगल। और इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड, पहले डायरेक्शन भी लिख देते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल में डाउनवर्ड, डाउनवर्ड द प्लेन ऑफ कॉइल, डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल में डाउनवर्ड, एंड एफ फोर, एफ फोर आपके पास इस सेक्शन के ऊपर है, एस पी के ऊपर फोर्स है, तो वो कितना हुआ, इसकी लेंथ होगी एल, करंट आई है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका बी और 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो दैट विल बी आई इंटू एल इंटू बी और साइन 90, साइन 90 अगेन वन हो गया, तो दैट इज आई इंटू एल इंटू बी। और इसकी डायरेक्शन क्या है,
ये प्लेन ऑफ द कॉइल था इसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इन द प्लेन ऑफ कॉइल, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ कॉइल. ठीक है, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर से फोर, एफ फोर. अब आप देखेंगे अगर हम F1 और F3 को देखें तो F1 का इक्वेशन देखिए कितना है आई बी बी साइन थीटा, और F3 का भी कितना है आई बी बी साइन थीटा. तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये क्या है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्विवेलेंट अपोजिट है. इस तरह से समझिए कि दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है तो ना तो ट्रांसलेशन करेंगे ना रोटेशन करेंगे, दोनों कैंसिल कर जाएंगे. लेकिन अगर बात करते हैं F2 की और F4 की, तो F2 और F4 भी बराबर है कितने I into L into P, लेकिन इनके लिए जो डायरेक्शन है लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर इनवर्ड है F4, और ये F2 क्या है प्लेन ऑफ द कॉइल के आउटवर्ड है. तो ये कपल बन गया, पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अनलाइक फोर्सेस सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, उनके बीच में सेपरेशन हो गया और उनके लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म्स ए कपल, एंड कपल गिव राइज़ टू टॉर्क, टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट. तो हम लिखते हैं कि एज एफ वन एंड एफ थ्री बीइंग इक्वल एंड अनलाइक, इक्वल एंड अनलाइक एक्टिंग अलोंग सेम लाइन्स, along same line of action, acting along same line of action cancels each other. एक दूसरे को कैंसिल कर. जबकि बात करते हैं टू और एफ फोर की, तो ये क्या बनाएंगे कपल बनाएंगे. Also, F2 and F4 being equal and unlike. Equal and unlike के ये भी थे, लेकिन इनकी line of action क्या थी? Same थी. अब इनकी line of action क्या different है? Being equal and unlike, acting along different lines of action forms a couple. Forms a couple. कपल दो इक्वल फोर्सेस का क्या होता है, जोड़ा होता है. जैसे हम कार की स्टेयरिंग को पकड़े, ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, गाड़ी घूमती है, उस एक्सेस घूमता है, एक्सल घूमता है. तो इसी तरह से इसमें भी क्या बन जाता है, कपल बन जाता है. सो फॉर्म्स ए कपल एंड दिस कपल गिव राइज टू अ टॉर्क, दिस कपल गिव राइज टू अ टॉर्क. 11th में पढ़ा है विद टॉर्क, उस टॉर्क को कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे लिखा जाता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम निकालते हैं. इट इज इक्वेशन नंबर 5. अब अगर मैं मान लीजिए ये कहता हूं ये साइड आपके पास थी पी क्यू, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये है आपके पास क्यू और ये पी, और ये डायरेक्शन ऑफ थी मैग्नेटिक फील्ड बी, और इनके बीच में एंगल था कितना थीटा. ठीक, तो इस फोर्स की जो क्यू के ऊपर एक्ट कर रहा है कौन, एफ टू, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और पी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है एफ फोर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये. तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा जिसको लेंथ ऑफ आर्म बोलेंगे. तो क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो है भाई ये, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए. सपोज मैं इसको पी एम बोल देता हूं, ठीक, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास जो हुआ ये एफ टू पर वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ पी एम पर. ठीक है, अब क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये इसके अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल क्या होगा थीटा होगा. तो ये साइड हमें पी क्यू की जो है वो कितना है बताइए, पी क्यू ब्रेड है कितनी बी. ठीक है, तो ये साइड हमें पता है ये निकालनी है, जो साइड निकालते ऊपर रखते हैं और जो गिवन होती है नीचे. तो ये 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो तो, और ये एक्यूट एंगल बना होता है, ये साइड बेस
तो हमें बेस टू हाइपोटेन्यूज, और बेस टू हाइपोटेन्यूज होता क्या है कॉस थीटा। तो आपने ये लिखा, सॉरी, नाउ आर परपेंडिकुलर टू द बी इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा, ठीक उस सेकंड फिगर से, और आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ गया बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता बी इज टू द हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। और फिफ्थ इक्वेशन कहता है कि आपके पास जो इक्वल फोर्सेस थे, आइदर फोर्स प्रोजेक्शन की ले लीजिए चाहे F2 ले लीजिए, चाहे F4, F2 की वैल्यू भी कितनी है ILB है, और F4 की वैल्यू कितनी है ILB, तो इनमें से आप कोई भी फोर्स ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए F2 लिखे चाहे F4, तो आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लेंथ ऑफ आर्म बोलते हैं, तो इसका मतलब टॉर्क कितना आएगा, नाउ टॉर्क, सो देन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हुआ कितना भाई ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बी कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई लेंथ के साथ ही ब्रैकेट लिख देते हैं LB कैपिटल B और कॉस थीटा, और आपने फर्स्ट इक्वेशन कहा है कि लेंथ इनटू ब्रैकेट क्या होता है एरिया, तो इसका मतलब ये होगा टॉर्क हो गया आपके पास आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा से इक्वेशन नंबर 7। लेकिन अगर हम ये मान लें कि लूप के अंदर अगर एंट्रेंस है तो करंट के एंट्रेंस भी एन टाइम्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब यू आर टॉर्क इफ लूप हैज एंट्रेंस, इफ कॉइल हैज एंट्रेंस, एन भी कैपिटल ले लेते हैं एंट्रेंस, देन टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर आपके पास से ए होगी। अब यहां में हमने मेंशन किया था कि थीटा तो वो एंगल है जो प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया है, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आपको मेंशन हो तो cos टर्म यूज करिए, और अगर नॉर्मल एंड द प्लेन ऑफ द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो तो आप वर्ड यूज करिए क्या साइन का, एंगल चाहे कोई भी आपको 90 माइनस प्लस कुछ करने की जरूरत नहीं, मींस नॉर्मल के साथ दे रखा एंगल तो साइन, और अगर दे रखा है प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ तो कोस, ठीक है देखिए कैसे, तो क्योंकि आपने ये कहा है कि कोस थीटा, तो थीटा तो कितना है 90 माइनस अल्फा, तो आपने लिखा बट थीटा तो है आपके पास 90 माइनस अल्फा, तो इसमें यूज करेंगे तो टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी, और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस एंगल होता है साइन, cos 90 पे क्या होता है चेंज, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो टॉर्क आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू n into i into a into b और sin alpha, इक्वेशन नंबर 9। तो आपको जो इक्वेशन ध्यान रखने हैं वो 8 नंबर इक्वेशन cos का एक्सप्रेशन और इक्वेशन नंबर 9 sin का एक्सप्रेशन, साइन का एक्सप्रेशन तभी यूज करना चाहिए एंगल किसके बीच में दे रखा हो नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल, और केवल प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दे रखा है तो उसका एंगल थीटा मानते हैं, उसके साथ क्या है कॉस एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें, हमें पता है कि कोई भी करंट लूप है, पहले मैंने डिस्कस किया था ये अगर मान लो इसके अंदर करंट आई जा रहा है और इसका लूप का जो एरिया है अगर ए है और नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर अगर n मान ले, तो ये एक मैग्नेटिक मोमेंट ये क्रिएट करता था, पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था करंट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, आगे भी डिस्कस करेंगे, तो इसका जो जिस फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा तो वो तो नॉर्थ फेस बन जाएगा, और नीचे वाला जिसमें क्लॉकवाइज होगा वो साउथ, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जाती है साउथ टू नॉर्थ, तो अगर राइट हैंड रूल से देखें तो करंट की डायरेक्शन लूप के लिए कम ईयर, ठीक है ना, ये करंट ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी इस नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल में परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगर करंट ये क्लॉकवाइज होता तो कैसे जाती डाउनवर्ड आ जाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेटिक मोमेंट को अगर लिखें तो वहां हमने बताया था एन आई और ए, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स एन आई जो होता था उसको एरिया ऑफ द लूप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन इसकी किससे लिखी जाती है नॉर्मल, इधर एन कैप है तो नॉर्मल एन कैप की डायरेक्शन होता है, इसको हम बोलते थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
ऑफ करंट लूप, मैग्नेटिक मोमेंट भी कह देते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो टर्म पड़ेगी एल आई, इसको अगर हम क्या लिखे एम लिख दे, तो ये टॉर्क हो गया आपके पास एन आई ए को लिख दिया हमने एम डी साइन एल्फा और ए बी साइन थीटा क्या होता है ए डॉट बी, तो एम बी साइन एल्फा क्या हो जाएगा सॉरी ए क्रॉस बी, तो टॉर्क हो जाएगा आपके पास एम क्रॉस बी, ये किसके अंदर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर हो जाएगा, जो आपके पास इक्वेशन पढ़ रहे हो कौन सा टेंथ टॉर्क। इसका मतलब कोई भी करंट लूप हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर, उसके ऊपर क्या काम करेगा टॉर्क काम करेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा भाई, इस टॉर्क होगा ये एम के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा, इस टॉर्क की डायरेक्शन किससे जाएगी वही आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए या राइट हैंड राइट हैंडेड कॉर्कस्क्रू रूल यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क आएगा किस फॉर्म में लिखा जाएगा एम आई सॉरी एम बी साइन एल्फा, ठीक है, और एल्फा किसके बीच में आएंगे यहाँ पे एम और बी के बीच में, एम और बी के बीच में। सपोज आपके पास ये कोई मैंने लूप मान लिया इसको, ठीक कोई करंट जा रहा था इसके अंदर, तो इस करंट जा रहा था तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और ये इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है बी, तो एम और बी के बीच में एंगल है थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल है एम और बी के बीच में, मीन्स एम किधर है नॉर्मल की तरफ है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, और नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज होता है साइन का, याद रखना साइन फार्मूला यूज करना, एम और बी के बीच में एंगल देखिए और साइन लगाए तो एम बी साइन अल्फा, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कोई भी करंट करेंगे लूप होगा तो उसके ऊपर क्या करेगा टॉर्क एक्ट करेगा, तो ये हमारे पास जो अगर सपोज ये मान ले कि ये हमारे पास कोई करंट करेंगे लूप था पी क्यू आर एस पी और इसके अंदर करंट जा रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इस आर्म के ऊपर फोर्स अपवर्ड है इसमें डाउनवर्ड कैंसिल करके एक फोर्थ परपेंडिकुलर आउट और एक इनवर्ड, तो इसका मतलब ये इस एक्सिस के बाउंड्री को क्या करेगी रोटेशन करेगी और ये आपके पास प्रिंसिपल होगा आपकी जो मोटर है उसका। तो इसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस करना चाहते हैं। सो हमने ये डिस्कस किया कि किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, वो टॉर्क का फॉर्मूला आता था एन आई ए बी कॉस थीटा, नोट में लिख लेते हैं एस, और अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हम थीटा जीरो डिग्री चूज करें और थीटा किसके बीच में होता था प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कॉस जीरो आपके पास कितना होता है वन, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा तो इक्वल टू एन आई ए बी, जी आपके पास मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, ये टॉर्क कैसा होगा मैक्सिमम टॉर्क एन आई ए बी, और ऐसी कंडीशंस जहां पे प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल रहे, मींस प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेंस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसा फील्ड जो प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल रख कर के मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे उस तरह के फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सच ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और याद रखना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का तरीका यह है कि या तो हम कनकेव शेप के पॉल पीसीज यूज करें, जो एन और एस लेते हैं मैग्नेट के वो कनकेव शेप के लिए, कनकेव का मतलब बेंट इनवर्ड जैसे गड्ढा बना हुआ, यूजिंग कनकेव शेप्ड पोल पीसेस, दूसरा उस कॉइल को वाउंड करें किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाय वाइंडिंग
कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वार्म करके। इसी के लिए अगर हम साइन अल्फा वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा आल्सो थीटा प्लस अल्फा होता है 90 डिग्री, तो जब थीटा जीरो होगा, जीरो प्लस अल्फा इज 90, सो मींस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा का तो एक्सप्रेशन ही होता था सिंस टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री रखोगे तो साइन 90 कितना जाएगा 1, तो इसका मतलब भी टॉर्क कैसा एक्ट करेगा, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। इसका मतलब प्लेनों का कोई पैरेलल होना मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा जीरो होना, इस प्लेनों का कोई मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हो पैरेलल हो, या आपके पास अल्फा 90 डिग्री, और अल्फा किसके बीच में एंगल होता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये मेरे पास कोई कॉइल है किसी भी शेप की हो सकती, और उसके अंदर कोई करंट चल रहा है, ठीक, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बी, तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे नॉर्मल एंड क्या, इनके बीच में एंगल थीटा सॉरी जो अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, मींस मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा, तो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तो भी टॉर्क कैसा होगा मैक्सिमम, ठीक है, मींस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा हो, या प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि देखिए प्लेन ऑफ द कॉइल तो यही है, इसके साथ थीटा कितना है 0 डिग्री बी और थीटा, तो थीटा 0 होना या अल्फा 90 डिग्री होना एक ही बात है, और इस तरह का जो कंडीशन है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और अगर मान लीजिए सपोज आपने कहा कि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री लिखेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा 0 सेकंड केस में, ये केस फर्स्ट था। अगर थीटा 90 डिग्री हो या थीटा 90 डिग्री कहने का मतलब अल्फा कितना हो 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना होगा, सो थीटा 90 डिग्री का मतलब कॉस 90 जीरो, या फिर साइन अल्फा ले तो साइन अल्फा कितना होगा साइन 0 डिग्री जीरो, तो इसका मतलब टॉर्क इन केसेस में कैसा होगा मिनिमम टॉर्क एक्ट करेगा। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल आपस में परपेंडिकुलर है, और अल्फा 0 डिग्री का मतलब सपोज ये आपके पास कोई कॉइल है, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल निकालने के वो भी इधर की तरफ आएगा, तो इसका नॉर्मल भी क्या हुआ इधर की तरफ, तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो टॉर्क कितना होगा जीरो, सीधी सी बात है, मींस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, then no torque acts, कोई torque act नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो suppose ये magnetic field हो और ये normal to the loop है, n cap और b अगर 90 degree पे है, means field कैसा है tangential field, field कैसा है टेंजेंशियल फील्ड है, तो सरफेस के लोग है तो जो टॉर्क कैसा एक्ट करता है मैक्सिमम एम आई ए, ठीक है, और ये कब होगा जब अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, और अल्फा अगर 0 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना होगा 0, और टॉर्क मैक्सिमम होगा जब आपके पास अल्फा कितना होगा सॉरी हाँ अल्फा 90 डिग्री होगा, तो जब टॉर्क का फॉर्मूला आप यूज करेंगे एम डी साइन अल्फा, ये टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये सभी तरह के करंट लूप का अप्लाई होता है, तो हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है तो भी करंट लूप है, और करंट लूप यूज लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो आपकी हालांकि आगे चैप्टर में भी कुछ बुक्स में डायरेक्ट होगा, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में इसके साथ जाकर तो यही डिस्कस करते हैं कि इंडिपेंडेंट सा आर्टिकल और इम्पोर्टेंट भी एक बार मोड में पूछ लिया जाता है उसके बारे में। सो नाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस।
आपको पता है कि बहुत से एटॉमिक मॉडल में हम ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, और अगर हम न्यूक्लियस कोई जेड एटॉमिक नंबर का कंसिडर कर देते तो उसके न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस जेड ही होता है, जेड इज इक्वल टू वन। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस ही, इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में की स्पीड वी से, और इसकी रेडियस ऑफ द ट्रैक अगर हम बताएं और वो आर मान दें, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, सॉरी तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट कैसा हो जाएगा इसके अंदर क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे ही तरह से दिख रहा था, मैं इसको अगर ऐसे बना लूं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इसका कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये अगर एरिया ऑफ द लूप हो और इसके अंदर करंट आई, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, टी इज द टोटल टाइम टू कंप्लीट द सर्किट। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगी, राइट हैंड रूल से, क्योंकि लूप है लूप के लिए कम हियर तो करंट तो ये भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इसकी कैसे आएगी, इस प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था कितना आता है नंबर ऑफ एम्पीयर टर्न्स एन आई, तो किससे मल्टीप्लाई कर रखें एरिया से, और इसकी डायरेक्शन इधर तरफ होती है क्योंकि ये देखिए क्लॉकवाइज चल रहा था, ये फेस साउथ है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, या फिर हम राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं, तो ये नॉर्मल ऑफ द लूप के एरिया के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अगर करंट इसमें इस तरह से तो मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर अपवर्ड होती, और करंट इसमें इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड, तो इसका आई निकालना है और एरिया ऑफ द लूप, तो एरिया ऑफ द लूप तो आपके पास पता है पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस आर मान लेते हो, तो करंट निकाल लेते हैं हम पहले। तो आपने कहा कि एस आई होता है हमारे पास क्यू बाय टी, लेकिन फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू होती ई फॉर इलेक्ट्रॉन, सो इट मींस दैट आई इज इक्वल टू आपके पास हो गया ई बाय टी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टी इज द टाइम पीरियड रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, और सर्किल की जो ट्रैक की रेडियस जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी 2 पाई, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल 2 पाई, और स्पीड कितनी है v, सो नाउ t होता है कितना 2 पाई r बाय v, ठीक है, क्योंकि टाइम होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल और द स्पीड, ठीक है, तो ये इसके अंदर यूज कर देते हैं। देन i इज इक्वल टू t, और t की जगह यूज किया हमने 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, तो v ये पलट करके कहां पहुंच जाएगा भाई, ये पास पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया i इज इक्वल टू e v ओवर कितना 2 पाई r, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक करंट आ गया, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए साथ में, एरिया n i a होता है, और n हम यहां पे सिंगल टर्न मान रहे हैं, ठीक, तो सिंगल रेवोल्यूशन, तो आप ये लिखेंगे नाउ m हमारे पास निकलेगा, m को यहाँ म्यू से लिख देता हूँ, म्यू लिख दीजिए या m लिख दीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, म्यू, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे इसको, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं बाद में l लेटर डालूंगा इसमें सफिक्स में, लिखो भी तो ना लिखो तो कोई बात नहीं, l स्टैंड फॉर द एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर रोटेशन ऑफ अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, n into i into a, फार्मूला होता है अपने पास m is equal to ni a, तो n तो कितना है 1, ठीक है, और एरिया ऑफ द लूप कितना है pi r square, तो एक i n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट को किस लेटर से लिख रहे हैं, म्यू से लिख रहे हैं, म्यू l, ठीक है, सिंपल म्यू लिख दीजिए, तो n तो हो गया 1, i की वैल्यू कितनी बताइए e v by 2 pi r, और एरिया ऑफ द लूप कितना होगा पाई आर स्केयर, ठीक है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और आर स्केयर का एक r कट गया यहाँ पे, तो ऊपर तो आ गया ई वी आर बाई टू, तो हमारे पास म्यू एल जो आया वो आ गया ई वी आर बाई टू, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, देखिए रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास, क्या क्या mu l is equal to e v r by 2, ये थर्ड को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ दोबारा से, वहां पे अब थोड़ा सा आपने ध्यान करना है
कि मैं इसको, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है mvr या मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम mv होता है, तो एक साथ अगर m टर्म आ जाए तो mvr बन जाएगा। तो m अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, हमने यही किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय mv ऑन राइट हैंड साइड कर दीजिए भाई। तो इसका मतलब म्यू l क्या हो गया आपके पास, l सबस्क्रिप्ट में आपके पास स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है और एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो स्पिन मोशन के कारण से अपने एक्सेस के अबाउट भी आता है और वो आपकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको भी काउंट करता है। तो वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे जब मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे। सो ई और एम ई से मल्टीप्लाई कर दिया और वही डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करें टू एम ई, ठीक है। सो ये क्या बन गया एम वी आर, और एम वी आर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। सो इट मीन्स दैट आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट बन गई ई बाय टू एम ई। अगर आप इस ई और इस ई कन्फ्यूज हो रहे हो तो ये सबस्क्रिप्ट में था, तो सिंपल एम भी लिख सकते मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ई बाय टू एम भी ले सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये सबस्क्रिप्ट के अंदर एम के सबस्क्रिप्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये एक टर्म क्या बन गई दैट इज एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ठीक है। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस टी से लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में तो एक्सप्रेशन यहां पे आ गया फोर तक, लेकिन अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखें वो केवल थोड़ा डायरेक्शन को समझने के लिए, म्यू एल दैट इज इक्वल टू ई बाय टू एम ई और इनटू एल वेक्टर, ठीक है। एल एंगुलर मोमेंटम होता है और कैसे लिखते हैं आर क्रॉस पी से। थोड़ा सा समझिए कि ये वी स्पीड होगी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया एम, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम जो निकालेंगे होता है आर क्रॉस पी, तो आर की डायरेक्शन तो ये वर्ल्ड डायरेक्शन, लेकिन ये तो किसकी डायरेक्शन आर की, तो आर से किधर ये एम वी, एम वी क्या बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो r क्रॉस p हुआ ना mv, तो क्या बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम बन गया, जब v आपके पास वेलोसिटी थी m से मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब इधर तक तो r, इधर तक p, तो r से p की तरफ क्रॉस करो, r से p की तरफ क्रॉस, तो ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड आया ना, तो इसका मतलब जो l की जो डायरेक्शन आई वो कैसी है, इसके परपेंडिकुलरली अपवर्ड आई, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है l, ठीक है। जबकि अगर हम ये देखें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा था तो करंट ये बन गया था, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या ही थी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड इस लूप के, ठीक है। वो तो क्या आ रही है इनवर्ड आ रही थी, मैग्नेटिक मोमेंट तो है वो कैसे आ रही थी इनवर्ड, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या आया आर क्रॉस पी, ये क्या आया अपवर्ड। तो इसका मतलब एल की जो डायरेक्शन है वो म्यू एल के क्या है अपोजिट है, म्यू एल तो कैसे है क्रॉस में, कैसी है क्रॉस में, देखिए ऐसे इनवर्ड, ठीक है। करंट इधर था तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके अपोजिट, ठीक है। ऐसे लिखा था अभी हमने, अगर ऐसे लिखा होता ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। तो करंट ये है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी प्लेन ऑफ द लूप के इनवर्ड, तो ये तो इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन जो एंगुलर मोमेंट है वो उसके क्या है अपोजिट, इसलिए इसमें माइनस साइन लिख देते हैं आप, ठीक है। तो यहां ही लिखेंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that mu l is in opposite direction of l vector, angular momentum is l is equal to r cross p, शायद समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड में लिखें, मैग्नीट्यूड में तो हमारे पास चार नंबर इक्वेशन तक था ही, ठीक है। सो इन मैग्नीट्यूड म्यू एल आपके पास आया था ई बाय टू एम ई और इंटू एल, ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो था फोर था, ठीक वो एल सचिव कहूँ मैग्नीट्यूड वाला लिख दिया। अब इसका मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो हमें क्या चाहिए एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ठीक है। और आपको पता होगी जब बोस हम पोस्टलेट पढ़ते हैं, बोस एटॉमिक मॉडल में केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो,
और हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग, वो ऐसे कंटिन्यूअसली स्प्रेड नहीं है, वो डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर, क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे आपने, तो उनके अंदर रिवोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ है तो सेकंड ऑर्बिट जंप मार करके, जंप का मतलब डिस्क्रीटनेस। तो आप ये कहोगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीटनेस, क्वांटाइजेशन, ठीक है। और वो ये कहता है कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू वन, ये सेकंड ऑर्बिट यहाँ पे अलाउड है, ठीक है, क्योंकि जैसे एन बढ़ता है उसके कारण से स्पीड और रेडियस भी चेंज होती है, वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब इसके और इस बीच में कोई एनर्जी ऑर्बिट अलाउड नहीं है, इसके बाद यहाँ एनर्जी ऑर्बिट है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑर्बिट अलाउड होगी बोहर के अकॉर्डिंग जिनका अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि वी होगी स्पीड, आर होगी रेडियस और मास m था, एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया m v r, और वो कितना हो h ओवर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो n h ओवर 2 पाई, जबकि h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और m क्या हो इंटीजर हो 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। तो आप ही कहोगे अकॉर्डिंग टू द बोहर क्वांटाइजेशन का एनर्जी ऑर्बिट कैसे होगी, डिस्क्रीट होगी जंप लग करके, ठीक है, तो कैसे होगी डिस्क्रीट है, सडन जंप लग रहे हैं, इसकी एनर्जी -13.6, -3.4, -1.51, तो बिल्कुल बीच में कोई और दूसरा एनर्जी स्टेट अलाउड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड फॉर विच एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना हो एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है, इसी इसको दफ्तर सेक्शन में लिखता हूं, सेकंड जबकि एन कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये मैं लिख चुका हूं। एच आपके पास होता है कौन, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.62 × 10⁻³ - 34 जूल सेकंड, ठीक है। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हो म्यू, तो म्यू तो आई गई थी बाय 2 एमई और इनटू एल, एल की वैल्यू रख दे, एल की वैल्यू कितनी रखें एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है। सो देन यूजिंग इक्वेशन 6 में यूज करें तो म्यू एल कितना होगा ई बाय 2 एम, अगर आपको सबस्क्रिप्ट ई से लिखा तो केवल एम भी लिख सकते मास इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, और इनटू एल, एल कितना लिखा जाएगा एन एच ओवर 2 पाई, देखिए मल्टीप्लाई करिए 2 इनटू 2 4 हो जाएगा 4 बाय एम ई और एन ई एच, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आई वो कितनी होगी एन ई एच ओवर 4 पाई और एम ई, इक्वेशन नंबर 8। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट किस किस चीज पे डिपेंड करती है, कि कोई चीज इसमें ऐसी हो ई चार इलेक्ट्रॉन फिक्स, एच भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रही है एन के ऊपर डिपेंड कर रही है, एन के ऊपर डिपेंड करते उसको जो ऑर्बिटल एग्रीड मोमेंट है एल वो डिपेंडेंट किस पे एन पे, जिसको हम म्यू एन भी लिख सकते हैं, कुछ किताब हम म्यू एन भी लिखते हैं एल सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, और इसके लिए एन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम एन मान लो सपोज दिया 2 तो ई एच ओवर 4 बाई एम का डबल बन जाएगा, 3 दिया तो ट्रिपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी म्यू एल की अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें, म्यू एल की मिनिमम वैल्यू तो वो कब होगी जब एन हमारा कितना होगा 1 होगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो इसका मतलब ये होगा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की म्यू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू आएगी एंड 1 रखेंगे तो ई एच ओवर 4 बाई एम, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे म्यू बी लिख दें सिंपल, बी फॉर बोहर के लिए म्यू एम बी बोहर्स मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो म्यू केमिस्ट्री के अंदर भी आता है म्यू बी कार्ल बोहर्स मैग्नेटिक मोमेंट, कार्ल बोहर्स बोहर्स मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर इस सारे पैरामीटर को अगर यूज करें तो ये आपके पास आता है 9.27
9.27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24, ठीक है, 10 रेज टू पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्केल, एम्पियर मीटर स्केल, ये आपके पास वैल्यू हो जाती है म्यू की, म्यू एम भी लिख देते मोहर्स मैग्नेटोन, ठीक है, बी एम लिख दो मोहर्स मैग्नेटोन, बी एम सही रहे, म्यू मोहर्स मैग्नेटोन, ये वैल्यू हमने ध्यान रखनी। और अगर इसके ही सारे मल्टीपल है तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है आपकी म्यू एल वो कितनी होगी, इसके एन टाइम्स होगी किसके, म्यू बी के, ये क्या होगी इसके एन टाइम्स होगी म्यू बी के, जो कि एन आपका कितना है वन, तो सिंपल वन म्यू बी, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगी वो वन म्यू बी टू म्यू बी थ्री म्यू बी, इस टाइम से मैग्नेटिक मूवमेंट आएंगे। एक चीज और थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, पूछ भी लिया था कई बार कि हमने यहाँ निकाली थी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी और यहाँ एंगुलर मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी किसके कारण से, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने इस एक्सिस के अबाउट, न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, तो अगर तेज घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बड़ी करंट बढ़ेगा क्योंकि, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करे, एल पे भी डिपेंड करे, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का और एल का अगर रेशियो कर दे तो इसको हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलेंगे, मींस म्यू एल डिवाइडेड बाय एल बीच में स्किप हो गया था, तो इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, कितना बच जाएगा ई बाय टू एम, ठीक है, और ई बाय एम क्या हो, चार्ज बाय मास से शॉक हुआ था 1.76 इनटू 10 रे टू पावर 11 कूलम पर किलोग्राम होता है, तो इसका हम हाफ कर दें, तो हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.8 इनटू 10 रे टू पावर 10 कूलम पर किलोग्राम, तो इस जो टर्म है इसको गामा से लिख देते हैं, किससे लिख देते हैं गामा से, और इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां गामा किसको लिखा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम, म्यू को एल से एम को एल से डिवाइड कर दें तो इसको हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। सो दिस वाज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म का,